नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेके जो नेता हैं उन पे आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि LJP सुप्रीमो चिराग पासवान ने फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पे एक ट्वीट करके निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार के जो भी मंत्री हैं या मुख्यमंत्री खुद भी आते हैं तो उनसे पूछिए कि 5 साल में उन्होंने क्या किया और जो अपने साथ निश्चय योजना थी उसमें उन्होंने कितने योजनाओं पे सफल रहे। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी संगीन जुर्म भी आरोप भी उन पे लगाए और साथ ही साथ उन्हें बहुत कुछ सुना दिया। पर बिहार के मुख्यमंत्री अभी फ़िलहाल कुछ बोलने के मूड में नहीं हैं, उन्होंने कोई भी पलटवार नहीं किया। आपको बता दें कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, वो लगातार उन पे चिराग पासवान पे हमलावर हैं। उन्होंने यहाँ तक कि उनको वोट कटवा नेता भी कह दिया था। इसी सरगर्मियों के बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो संस्थापक हैं जीतन राम मांझी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपना निशाना लगातार साधना शुरू कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि लोजपा कार्यकर्ता या लोजपा प्रत्याशी या खुद चिराग पासवान जी वोट मांगने आए तो पूछिएगा पिछले कई सालों में बिहारियों के लिए क्या किया। चिराग जी से पूछिएगा कि लोजपा के पुराने घोषणा पत्र में कौन कौन से वादे पूरे किए। जीतन राम मांझी चिराग पासवान को साफ साफ शब्दों में वोट कटवा नेता बता रहे हैं। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार एक नेता दूसरे नेताओं पे लगाते जा रहे हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।